नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस श्रृंखला में। हमारा एक प्रयास है समाज के विभिन्न तबकों में जागृति लाने का, भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखाने का। दोस्तों, आज हमारा देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कामयाबी के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की चाह ने सामाजिक रिश्तों को भी ताक में रखना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि किसी के पास अपनों के लिए वक्त ही नहीं है। कैंसर, जो कि अपने आप में ही दिल को झंझोर कर रख देने वाली बीमारी है। इस बीमारी के शिकंजे में न जाने हर रोज कितनी मासूम जिंदगियां जाती हैं। हमारे शरीर में कई कोशिकाएं होती है, जिसे हम सेल्स कहते हैं। वो नियंत्रित रूप से, मतलब सामान्य रूप से ग्रो करते हैं। ग्रो करते मीन्स फैलते हैं, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे सामान्य रूप से ग्रो करते हैं। अगर वो असामान्य रूप से ग्रो करे, बढ़े, तो वो एक गांठ पैदा कर देते हैं, या छाला पैदा कर देते हैं, या अल्सर पैदा कर देते हैं, जिसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब जो जैसे स्किन का कैंसर, कार्सिनोमा शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। वो स्प्रेड करता है थ्रू लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स होते हैं लिम्फ वेसल्स। हमारे शरीर में एक तो खून जाता है, खून के वेसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स, दूसरे होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो दोनों तरह से कैंसर स्प्रेड करता है। और दूसरा कैंसर होता है सार्कोमा। सार्कोमा का मतलब कि जो दूसरे अंदर अंतड़ियों के अंदर कैंसर होते हैं, और शरीर के अंदर कई प्रकार के कैंसर होते हैं जो कि ब्लड के थ्रू फैलते हैं, और वो लंग्स या लिवर, फेफड़े या जिगर में फैल जाते हैं, उनको हम सार्कोमा कहते हैं। इस भयानक मर्द नामक कैंसर ने न जाने कितने मुखौटे पहन रखे हैं। अब चाहे वो स्किन कैंसर हो, लंग कैंसर हो, एड्स संबंधित कैंसर, हार्ट कैंसर, गले का कैंसर, या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मुंह का ही कैंसर क्यों ना हो। हमारे देश में लगभग 11 लाख नए कैंसर केसेस होते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, हम कहते हैं कि 10.9 लाख न्यू कैंसर केसेस, और एक एट एनी गिवन टाइम हमारे देश में 27 लाख से अधिक कैंसर केसेस पाए जाते हैं। अब ये जो कैंसर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आदमियों में, ले लीजिए जैसे लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, उसके बाद हेड एंड नेक कैंसर, मुंह और गले का कैंसर, ये कैंसर तंबाकू के सेवन से होते हैं। अब तंबाकू के सेवन से कितने कैंसर होते हैं, ये देखा गया है कि 40% कैंसर, जो मैंने बताया आपको नए कैंसर होते हैं, उसमें 40% तंबाकू के सेवन से होते हैं। तंबाकू का सेवन का मतलब स्मोकिंग नहीं है, कि स्मोकिंग मतलब सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, पान मसाला, और स्मोकलेस टोबैको भी है। स्मोकलेस का मतलब गुटखा, खैनी, जर्दा, ये सब रखने से कैंसर हो जाता है। मुंह के कैंसर की वजह से दुनिया भर में 70 लाख से भी ज्यादा जिंदगियां जाती हैं। मुंह के कैंसर का मुख्य कारण पान, गुटखा या तंबाकू जैसी चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करना माना जाता है। धूम्रपान अकेले ही 75% से ज्यादा मुंह के कैंसर के मामलों में वृद्धि करता है। हालांकि इसका इलाज अब किसी हद तक सफल है। देश में लेजर और रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से अब हर रोज हजारों और लाखों लोगों का इलाज बड़ी ही निपुणता के साथ किया जाता है। एक ब्रेकिथेरेपी प्रोसीजर है, और इसमें ब्रेकिथेरेपी का मतलब है कि हम रेडिएशन जो है वो विद इन द सोर्सेस प्लेस कर रहे हैं अंदर। तो ये कार्सिनोमा सर्विक्स का पेशेंट है, कार्सिनोमा सर्विक्स स्टेज 3B। तो उसमें हमने ब्रेकिथेरेपी से
इनको ट्रीट कर रहे हैं। फर्स्ट वी गिव एक्सटर्नल बीम, मतलब बाहर से रेडिएशन देते हैं, लेकिन उसके बाद से हम वी गिव एन इंटरनल रेडिएशन, सो दैट इज मोर इफेक्टिव एंड इट इज मोर क्यूरेटिव। सो दिस इज अ कार्सिनोमा सर्विक्स एंड हियर वी आर यूजिंग थ्री कैथेटर्स एंड वी हैव प्लेस्ड, हमने एक टेंडम और ओवर्ड इनसाइड द यूट्रस और द वजाइनल फोर्सेस फॉर्निसेस में प्लेस किया है, so that adequate dose is delivered to the tumor. ये कोबाल 6 की मशीन है और हम पेशेंट है जो कि सुप्राग्लोटिस इसको है, हेड एंड नेक का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं सब पेशेंट का, और इसके अंदर जो कोबाल 6 की सोर्स है वो एक रोल के अंदर होता है जो इसका हेड है, इस पर पूरा लैड जिससे रेडिएशन बाहर लीकेज ना हो कहीं में, और ये हमारा जो पूरा प्लान है पेशेंट का वो पहले वहाँ पे सिमुलेटर में होके फिर हमारे पास आता है, और इसके बाद हम यहाँ पे इस पे फील्ड साइज जो भी वहाँ पे लिखा होता है फाइल में उसको हम इसके साथ कंपेयर करके जो ट्यूमर जितना भी इसका साइज है और उस हिसाब से हम फील्ड खोलते हैं और उसी हिसाब से हम इसको डिस्कस पे रख के और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे देश में कैंसर के रोगियों की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने, इलाज के लिए एवं उनमें जागरूकता लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कैंसर को हमारे देश में एक नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है जो कि 1982 से चल रहा है, तो उसके अंतर्गत ये रीजनल कैंसर सेंटर खुले हैं जो कि अब 29 हो गए, और उसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कैंसर का समाधान हो रहा है, और उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी कैंसर का पता चलाया जा रहा है। तो इसके अलावा हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, सरकार को बोला है कि इसको कैंसर को ही एक नोटिफाइबल डिजीज़ बनाया जाए। नोटिफाइबल का मतलब कि कोई भी कैंसर कहीं भी डिटेक्ट हो तो वो उसकी हमें पता दी जाए, सूचना दी जाए, सो दैट हमें ये पता चले कि कितने कैंसर हमारे देश में हो रहे हैं और किस प्रकार के कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं। सामान्यतः कैंसर के इलाज को महंगा माना जाता है, परंतु आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कई सस्ते तरीके इजाद किए हैं। देखिए हमारे देश में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आजकल ये देखा गया कि कैंसर का इलाज लोग कहते हैं बहुत कॉस्टली है, मींस कि उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सरकारी अस्पतालों में काफ़ी हद तक कीमोथेरेपी फ्री दी जाती है, और BPL के अंडर जो पेशेंट्स आते हैं बिलो पावर्टी लाइन उनको एब्सोल्युटली फ्री इलाज किया जाता है, और हम जो सोचते हैं कि कोई गरीब है उसका हम CT स्कैन भी फ्री करा देते हैं, यहाँ तक कि आजकल जो लेटेस्ट PET स्कैन आया है वो भी फ्री करा देते हैं, वो भी उसकी भी फीस माफ़ कर देते हैं और पूरा फ्री इलाज हो जाता है, कीमोथेरेपी तक फ्री मिल जाती है, सर्जरी रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी तीनों फ्री इलाज हो जाते हैं जो BPL के अंडर हो, या फिर हमें लगे जो गरीब आदमी है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, सरकारी अस्पतालों में इनको फ्री इलाज किया जाता है बिना पैसे। इस तरह की गंभीर बीमारी से निजात पाने के लिए जितनी आवश्यकता हमें आधुनिक तकनीक की है उससे ज्यादा आत्मनियंत्रण व दृढ़ इच्छा शक्ति की है। सर गंगाराम हॉस्पिटल में हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें हम सिगरेट छुड़वाते हैं और टोबैको छुड़वाते हैं, जिसको हम टोबैको सेसेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, और वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं जो कि स्मोकर्स होते हैं और टोबैको एडिक्ट्स हैं, तो किसी भी तरीके से टोबैको ले रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं या हुक्का ले रहे हैं या सिगार्स ले रहे हैं, किसी भी तरीके से आप टोबैको का सेवन कर रहे हैं, वो लोग आते हैं और अपनी हैबिट को छुड़वा देते हैं। ये जो सेशन जो हम थेरेपी यूज़ करते हैं वो 7 to 8 सेटिंग का थेरेपी होता है, जिसके अंदर पहले 3-4 सेटिंग जो फोकस करते हैं छोड़ने पे और बाद के 3-4 फोकस करते हैं छोड़े रखने पे, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है छोड़ना एक होता है छोड़े रखना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोग जो थेरेपी में बहुत ज़्यादा साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन यूज़ करते हैं, जिसमें कि मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी होता है, कॉग्निटिव थेरेपी होता है, रिलैक्स प्रिवेंशन है, और अडैप्टिव कोपिंग स्किल्स थेरेपी है। अलॉन्ग विद दैट हम काफ़ी सारा मेडिसिनल थेरेपी देते हैं जिससे कि अर्जेस कम हो, विड्रॉल्स कम हो और छोड़ना आसान हो जाए, जिसमें कि हम मैक्सिमम जो है वो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ कि अगर आप
आबादी को रोकना चाहते हैं तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत है। सो एजुकेशन इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। वैसे मैं कहता हूँ कि कैंसर को रोकने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये समझाना पड़ेगा एट अर्ली स्टेजेस, जो एक बच्चा स्कूल में घुसता है, कि गलत चीज है। लोग सोचते हैं जैसे ही कैंसर का नाम सुना ये डेथ वारंट है, ये जैसे सजाए मौत है, तो ये नहीं सोचना चाहिए। कैंसर क्यूरेबल है। कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे पहला हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब कि आप कैंसर को होने ही ना दें। तो वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहला तंबाकू का सेवन बंद करें। तंबाकू का सेवन बिल्कुल किसी भी प्रकार से ना होने दें, जो कि मैंने बताया हुक्का भी डेंजरस है, बीड़ी भी डेंजरस है, और जो स्मोकलेस टोबैको है, जर्दा, पान मसाला, वो भी मुंह के कैंसर करते हैं, वो भी ना खाएं। अपने सामाजिक दायित्व को निभाएं, परिवार, समाज और देश को तरक्की की राह पर ले जाएं।